नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जय श्री राम। राम राम बोलिए, मुंह के पट खोलिए। मैं हूँ डॉक्टर वायरा, के साथ जुड़ी हूँ आपके साथ अपने 5 मिनट स्टोरी चैनल पर। इस पर हम 5 मिनट के अंदर ऐसी ज़िंदगी की कहानियाँ बताते हैं जो एक्चुअली मेरी और आपकी कहानी है। शर्मा वर्मा या हीरो, हम ही तो हैं और जीरो भी हम ही हैं। पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप लोग अपने परिवार के साथ कैसे हैं? सुरक्षित हैं? बढ़िया हैं? खुश हैं? 26 जनवरी बन ही गई, चलिए जैसी भी बनी, लेकिन जब अंत भला तो सब भला। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा हुआ करता था। उसके दिल में बड़ी उमंगें और तमन्नाएं थी कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूं, लेकिन करते करते अपनी ज़िंदगी के 40वें साल में वो पहुंच गया और लाइफ में वो कुछ कर नहीं पाया। उसका नाम रोहन था। रोहन के दिल में बड़ी इच्छा थी, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, सेठ बनूं, सेठ बनूं, सेठ बनूं, अपनी हर तमन्ना, अपनी हर कार्य में सफल रहूं, सफलता मेरे कदम चूमे। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उतना आगे रोहन नहीं बढ़ पाया जितनी कि उसने अपने आप से उम्मीदें कर रखी थी। समय का चक्का चलता गया और वो 50 साल की उम्र में हो गया। उसने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करने के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसने अपनी एक बड़ी सी कोठी बनाई, बंगला बनाया। और अब उसने सोचा कि अपने चाहने वाले नियर एंड डियर सबको बुलाऊं और मैं ये घर दिखाऊं कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया है। आपके मेरे दिल में भी होता है ना, जब हम सक्सेस होते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं तो हम सोचते हैं अपने दोस्तों को हम बड़ी गाड़ी दिखाएं, जब हम बड़ा घर लेते हैं तो हम सोचते हैं दोस्तों को बुलाएं घर, और दिखाना भी चाहिए। फिर इंसान समाज में रहता है, जंगल में तो रहता नहीं है, समाज में रहता है तो सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से जीना चाहता है, अपनी चीज़ों को दिखाना चाहता है। उसने भी ऐसा किया। उस रात पूरा बंगला लाइटों से चमका हुआ था। उसके नियर एंड डियर, अपने और पराए, सब उसके घर में थे, सब बैठे थे। पार्टी का जश्न चल रहा था, सबने बहुत तारीफ करी। घर को देखा, घर बड़ा था, गार्डन था, स्विमिंग पूल था और खूबसूरत सी वादियां थी। अब रोहन सबके जाने के बाद अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर सोने के लिए जैसे ही लेटा, उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून था, जिंदगी की चाह थी। जैसे वो सफलता के उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था। और उसने एक लंबी सांस ली, थैंक गॉड, एटलीस्ट मैं जो चाहता था वो हो गया, आज मेरे बंगले के बाहर बड़ी बड़ी 6 गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि हेलो, राम राम, मैं हूँ तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे शरीर को आज छोड़कर जा रही हूँ। रोहन एकदम डर गया और उठा। उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन उसके अंदर से सच में उसका आत्माराम बोल रहा था कि आज मैं तुम्हारे इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ और आज तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है, तुम सोओगे तो सही पर उठोगे नहीं। रोहन डर गया और डर कर बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो, सफलता ने तो अब मेरे कदम चूमे हैं, ज़िंदगी तो मुझे अब इस मुकाम पर लेकर आई है और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बोला, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम भी तो अपना पुराना मकान छोड़कर आए हो, मुझे भी मकान छोड़ना होगा, एक झरझर बेकार मकान, एक सीपेज से भरा हुआ मकान, एक टूटा फूटा मकान, एक ऐसा मकान जिसकी छत चोरी हो, एक ऐसा मकान जो गंदा बदबूदार हो, बेकार हो, जिसके अंदर रहने को दिल ना करता हो, ऐसे ही घर में तो तुम रहते थे, उस घर को छोड़कर इस आलीशान मकान के अंदर तुम आए हो ना। तो उसने बोला, हाँ। तो बोले, अब तुम्हारा घर यानी कि तुम्हारा शरीर जर्जर बदबू भरा, बीमारियों भरा, डायबिटीज़ और बीपी से भरा हुआ हो गया है, मैं अब इसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मेरा दम इसके अंदर घुटता है, मुझे अब नया शरीर चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। रोहन बहुत डर गया, घबरा गया, लेकिन आत्मा ने उसे एक ही बात कही, बड़े मकान, बड़ी चाह, बड़ा सब कुछ करने के चक्कर में हम अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम अपनी शुगर का ध्यान नहीं रखते, हम वॉक नहीं करते, हम समय पर खाना नहीं खाते, अपने शरीर को 8 घंटे की नींद नहीं देते, हम बड़े मकान और बंगले बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और ये सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं। और एक दिन जैसे हम अपने छोटे घर को छोड़कर बड़े घर में चले जाते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा राम, हमारी आत्मा भी हमारे शरीर से निकल के इस बदबूदार, बीमार और टेंशन भरे शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में जाने की तैयारी कर लेती है। क्योंकि हमने तो बड़े घर की चाह में रातों में नींद ही नहीं ली, हमने तो काम इतना किया कि 2 समय का खाना खाना भूल गए, हम तो पैसे और तिजोरी बनाने में ऐसे लग गए कि हमें याद ही नहीं कि आखिरी बार हमने बाल काले कब कराए थे। क्या आप भी अपने शरीर के साथ इसी तरह के अत्याचार कर रहे हैं? तो फर्स्ट लव योर सेल्फ, अपने ये जो शरीर नुमा घर है इसको स्वस्थ रखिए, फिर आप महल में रहें या झुग्गी में रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान है तो जहान है। कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लव यू गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त बिंदास रहिएगा, अपनों के साथ साथ, अपना होने के साथ साथ अपनों का भी खास ध्यान रखिएगा, और पूरे दिन में ऐसा कोई काम जरूर करिएगा जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। और भोजन समय पर करना, समय पर उठना, समय पर सोना,
शुक्राना 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 नज़र उठाकर ज़रूर करना, थैंक यू ज़रूर बोलना।